तो चंपाई सोरेन आज रांची लौट रहे हैं। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची एयरपोर्ट, जहां से हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं और हमारी संवाददाता रुचि भी चंपाई आवास से लाइव जुड़ी हुई। लेकिन पहले रुक करेंगे राकेश का। राकेश, फिलहाल चंपाई सोरेन अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, एयरपोर्ट पर क्या माहौल है? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता राकेश से टूट गया। हम रुचि का रुख करेंगे। रुचि, हमारे संवाददाता चंपाई आवास से लाइव जुड़े हुए हैं। चंपाई सोरेन अब से कुछ ही देर में रुचि पहुंचने वाले हैं, और इसको लेकर चंपाई आवास के बाहर फिलहाल क्या तैयारियां, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए ये चंपाई सोरेन का आवास है और पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ पर कभी जो है कार्यकर्ताओं के समर्थकों की भीड़ हुआ करती थी, लोग मिलने के लिए इंतजार किया करते थे। और आपने कहा कि वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, यानी कि 2 बजे के बाद का वो समय होगा जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ हमने दर्शकों को दिखाया भी, लेकिन ये आवास है, चूंकि समर्थक वहां से सीधे आवास तक पहुंचेंगे और तब यहां पर चहल पहल और भीड़ भाड़ दिखने लगेंगी। देखिए कम समय का ही कार्यकाल भले ही चंपाई सोरेन का रहा हो, लेकिन कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे उस कार्यकाल में जो कि अब तक के झारखंड में नहीं हुआ था, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री होने की बात या फिर मैया सम्मान योजना, हालांकि इस योजना का नाम बदल दिया गया। तो कई ऐसी निर्णय जो है वो चंपाई सरकार के द्वारा लिए गए थे और उन्हें किस रुचि बने रहेगा आप हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता राकेश रांची एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, चंपाई सोरेन का आगमन अब से कुछ मिनट में होने वाला है, क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर? हमारे संवाददाता रुचि लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आप चंपाई सोरेन के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत कम समय का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने यह कहा कि उनका कार्यकाल असरदार रहा है। और फिलहाल अगर हम बात कर ले कोल्हान की, तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र हो या आसपास के सरायकेला के विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना यह है कि चंपाई सोरेन जिधर जाएंगे हम भी उधर ही रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए पार्टी के समर्थक तो थे ही, साथ ही साथ देखिए पार्टी के समर्थक के साथ साथ उनका जैसा व्यक्तित्व रहा है, चंपाई सोरेन के व्यक्तित्व से भी प्रभावित कई लोग जो हैं उनके साथ उनके समर्थक वो बीजेपी में जाएंगे, यानी कि बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ा है चंपाई सोरेन के आने से। और ऐसे में जब आज चंपाई सोरेन यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनके समर्थक भी आए हैं, और सिर्फ देखिए कोल्हान में ही उनका प्रभाव नहीं रहा, जब मुख्यमंत्री पद पर रहे या मंत्री भी रहे तो पूरे राज्य के लिए कार्य किया है, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें उनके द्वारा किए गए कई कार्यों की सराहना आज भी होती है, उनके कई समर्थक जो हैं जो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन आलोचना और समालोचना दोनों ओर होती है। तो देखिए कुछ लोग हैं जो जेएमएम की बात हो या कांग्रेस की बात हो, उनका यही कहना है कि बीजेपी का जो लोटस ऑपरेशन था वो सक्सेस हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बहकावे में आ रहे हैं, जो भी जिनका इतिहास रहा है जो बीजेपी में गए हैं वो कितना आगे बढ़ पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चंपाई सोरेन का जैसा लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि कर दी थी जब अमित शाह से मुलाकात हुई, और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी कि वो 30 तारीख को बीजेपी की सदस्यता लेंगे
और उससे पहले भी देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो उसे लेकर के भी उन्होंने कहा। और अमूमन जब भी कोई राजनीतिक दल अपना पाला बदलते हैं तो यही कहते हैं कि हम पार्टी के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के और पार्टी का चयन कर रहे हैं, यानी कि उधर शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में इससे पहले सीता सोरेन की बात हो या गीता कोड़ा की बात हो और अब चंपई सोरेन, यानी कि जेएमएम जो है अब कई टुकड़ों में दिख रही है। जेएमएम ही नहीं, कांग्रेस से भी, इससे पहले कई ऐसे नाम भी आ रहे थे कि चंपई सोरेन सिर्फ अकेले ही नहीं आ रहे हैं, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो है वो भी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। चंपई सोरेन तो आपने सुना, झारखंड पहुंचने वाले हैं, रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चंपई सोरेन अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।